पांच महीने बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली है। जमानत शर्तों के साथ मिली है, जमानत के मायने क्या है? हालांकि सीबीआई को कोर्ट ने पिंजरे का तोता एक बार फिर कहा है करीब 11 साल बाद। क्या इस बार भी, उस समय कांग्रेस का शासनकाल था, इस बार बीजेपी का है? मेरे साथ इस वक्त देश के जाने माने क्रिमिनल लॉयर डॉक्टर एपी सिंह हैं, उनसे जानेंगे समझेंगे कि ये जो आज का निर्णय हुआ, जमानत, सीबीआई पर टिप्पणी, इसके क्या माने हैं, मुख्यमंत्री बाहर आएंगे तो क्या कर पाएंगे, क्या नहीं कर पाएंगे, राजनीतिक इशू पर भी बात करेंगे। वकील साहब, आज सुप्रीम कोर्ट ने जमानत दे दिया मुख्यमंत्री को, पांच, क्या देखते हैं इस पूरे मामले को आपके साथ? देखिए, जमानत तो किसी को भी मिले उसके लिए, उसके परिवार के लिए, उसकी पार्टी के लिए, उसके लोगों के लिए सुखद है। और इसीलिए हमारी माननीय सर्वोच्च न्यायालय कहती है बेल इज रूल, जेल इज एक्सेप्शन, और इसीलिए बेल मिलना चाहिए, ह्यूमन राइट्स का वायलेशन नहीं होना चाहिए। लेकिन ऐसा भी नहीं कि हर केस में कहती रहती, ऐसा भी नहीं पहले दिन कह दिया हो, अब इतने दिन बाद, पांच महीने रहने के बाद बेल दी है, तो ये एक गंभीर विषय है। मुझे लगता है पहले देश के मुख्यमंत्री जो पांच महीने जेल में बिता कर रहे हो, मुख्यमंत्री पद पर रहते 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 बिना रिजाइन किए, मुख्यमंत्री इन जेल, फाइव मंथ्स, तो ये गंभीर विषय है। और लेकिन अब बाहर आगे तो काम तेजी से चलेगा? नहीं, बाहर आके तो काम बिल्कुल ही नहीं चलेगा। बाहर आके तो अंदर से तो वो उनके लोग बोल भी सकते थे, जवाब भी दे सकते थे। अब बाहर आने के बाद अब तो केजरीवाल जी को खुद ही बोलना होगा। अब तो उनको शर्त है, सशर्त जमानत दी गई है, ना तो वो इस केस पर कोई टिप्पणी करेंगे, यानी कि केस में बोलेंगे नहीं, के बाद कोई सफाई नहीं देंगे। चाहे आप जैसे वरिष्ठ पत्रकार भी पूछ लेना उनसे माइक लगा के केस की, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों, तो वो ना तो ये बोलेंगे झूठ पकड़ा गया, ना सच पकड़ा गया, वो इस पर कोई टिप्पणी ही नहीं कर सकते हैं। तो भी उनके लिए बड़ी पशुपेश की स्थिति होगी। वो जाएंगे चुनाव में, लोग पूछेंगे कि आप ना वो झूठ, इसका मतलब स्वीकृतम, मौन लक्षणम स्वीकृतम, इसका चुप रहेंगे तो इसका मतलब आपकी स्वीकारोक्ति हो गई, अब आपको स्वीकार कर लिया है आपने अपने अपराध। उन्होंने किया ना किया, लेकिन कोर्ट कहीं ना कहीं मेरिट पर मानता है इस मुद्दे को, कहीं कोर्ट मानता है कि इसमें दम है, दम है। दूसरी बात, उन्होंने, और कोर्ट इसलिए भी मानता है दम, तभी कोर्ट ने कहा है कि आप सीएम की पावर का प्रयोग नहीं करेंगे, किसी फाइल पर सिग्नेचर नहीं करेंगे, फाइल पर सिग्नेचर नहीं किया, एज ए मुख्यमंत्री, एज ए मुख्यमंत्री सिग्नेचर नहीं करेंगे, आप कोई पावर का प्रयोग नहीं करेंगे, कोई ऐसी सीएम हाउस ही नहीं जाएंगे, क्या सीएम हाउस नहीं जाएंगे, सीएम के मुख्यमंत्री का जो कार्यालय है वहां आप नहीं जाएंगे, सीएम ऑफिस, हाँ सीएम ऑफिस, जो सीएम ऑफिस है वहां नहीं जाएंगे सीएम ऑफिस पे, और सीएम ऑफिस पे जाके कोई ना मीटिंग, ना किसी से मिलना, ना जुलना, ना कुछ करेंगे। और साथ में ये भी कहा किसी भी इस केस के अन्य मुलजिम से नहीं मिलेंगे, गवाह से नहीं मिलेंगे, इस तरह नहीं मिलेंगे, तो सारी शर्तें दी गई हैं। ये तो मुझे लगता है और ड्रॉबैक लग रहा, कठिन हो गया, और ये चीजें कहीं, हाँ जो अंदर थे तो सिंपैथी भी थी उनके लिए, अब बाहर है, अंदर थे तो लोग राजेंद्र नगर की घटना पे उन्हें कम दोषी मानते थे, अंदर थे तो लोग प्यासे नहीं रह पाते थे, अंदर थे तो ये परेशानियां थी, अब बाहर हैं तो बाहर आके तो समस्या ये होगी। नहीं, अगर कोर्ट ये कह रहा है कि आप सीएम ऑफिस नहीं जा सकते, मीटिंग नहीं कर सकते, तो और निर्णय नहीं ले सकते, तो ये तो फिर सीएम करेगा क्या? फिर ये सीएम के, अब उन्हें क्या करना चाहिए, या तो आदरणीय सुनीता केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बना दे, आधी आबादी दिल्ली की है, पहले भी तीन बार शीला दीक्षित जी रही हैं, अच्छे काम किए हैं, आदरणीय सुषमा स्वराज जी रही हैं, वो बना दें, या अपने पार्टी के किसी अन्य व्यक्ति को, अन्य नेता को, अन्य व्यक्ति को मुख्यमंत्री, किसी दूसरे को मुख्यमंत्री बनाए, अपने रहते काम नहीं कर पाएंगे, अपना तो काम ही नहीं कर पाएंगे, फिर तो और आरोप प्रत्यारोप लग जाएंगे, वो बिल्कुल गलत हो जाएगा। ये तो वास्तव में गंभीर विषय है, गंभीर विषय है, बात सिंपैथी की नहीं है, बात पॉलिटिक्स की नहीं है, बात दिल्ली के एक्टिंग सीएम के वर्किंग की है, निर्णयों की है, 2 करोड़ जनता की है, दिल्ली मिनी इंडिया है, पूरे देश के लोग आते हैं, 2 करोड़ यहाँ हैं लोग, और पूरा देश यहाँ आता है, पूरे देश की शासन, शासन, चलो आप जेल में चला रहे थे, चल रहा था वो चीजें, वहां से निर्णय हो रहे, वो भी नहीं होगा, तो ये तो साइन नहीं कर पाएंगे, फैसला नहीं ले पाएंगे, तो ऐसी स्थिति तो आदरणीय केजरीवाल जी के लिए बहुत गंभीर है। और हालांकि केजरीवाल भी खिलाड़ी है, ऐसा नहीं, कुछ ना कुछ रास्ते निकाल लेंगे, मुझे लगता है रास्ते निकालने के लिए मुख्यमंत्री को अपना पदाधिकार प्रयोग करना पड़ेगा, अब वो नहीं होंगे तो डिसीजन कौन लेगा? एलजी ऑनरेबल लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं, उन्होंने उनके कई अधिकारियों को डिमोट किया है, कई अधिकारियों की जांच हो रही है, कई अधिकारी अंडर इन्वेस्टिगेशन में हैं, तो भ्रष्टाचार की बातें भी हैं, जल बोर्ड को लेकर। अगर इस केस की बात करें, इस केस की पर्टिकुलर, जिसमें दारू घोटाला,
इसकी मेरिट्स की बात करें तो वो दम कितना है, क्या दम तो था ही ट्रायल कोर्ट ने, ये वकील के मुंह से मैं सुनना चाह रहा, जनता आपसे तो देखिए ट्रायल कोर्ट चला, वहाँ डिसमिस हुई, अनेबल हाई कोर्ट ने डिसमिस किया, अनेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी कई बार डिसमिस की, फिर रोकी, फिर लगाई, फिर हुई, फिर अब देखिए आम जनता सवाल पूछती है गुवाहाटी से चौपाटी, कन्याकुमारी से कश्मीर, अटक से कटक तक का व्यक्ति पहुँच, कहता है कि मुख्यमंत्री थे, धनबल था, जनबल था, बाहुबल था, इसलिए 5 महीने में उनकी सुप्रीम कोर्ट ने इतनी बार सुनवाई कर ली। क्या आदमी की, क्या बिहार, क्या झारखंड, क्या छत्तीसगढ़, क्या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, राजस्थान, क्या कर्नाटक, क्या आसाम, गुवाहाटी के व्यक्ति की इतनी जल्दी सुनवाई हो सकती है? क्या बार बार उसकी सुनवाई हो सकती है? नहीं सुनवाई होती है। 5-5 साल नहीं, जेल में सड़ जाते हैं लोग, जेल में मर जाते हैं लोग, लेकिन सुनवाई नहीं हो पाती है। लेकिन हाँ, वो मुख्यमंत्री हैं, चुने हुए प्रतिनिधि हैं, लेकिन अब पावरलेस कर दिया गया। अब उन पर ये गंभीर और आरोप आ गए हैं कि इस तरह, इसका मतलब आप लेकिन इसमें थे। घोटाला हुआ, बड़ी तथ्य है कि सरकार को जो राजस्व मिलता था उसमें बड़ी हानि हुई है, बड़ी हानि हुई और हजारों करोड़ का नुकसान हुआ, इसके साथ साथ जन की हानि हुई। जब लोग एक के साथ एक शराब फ्री लाने लगे तो शराब पीने की मात्रा अधिक बढ़ी, और शराब ज़्यादा पी जाएगी तो उतरेगी किस पर? पत्नी पे, माँ पे, बेटे बेटी पे, पड़ोसियों पे, किराएदारों पे, कॉलीग्स पे, रिश्तेदारों पे, उसी पे तो उतरेगी, खुद पर, खुद पे भी उतरेगी, खुद भी मरेगा, लीवर फंक्शन सब चीज़ें खराब होंगी, तो खुद पे भी होगा खराब, उसके लिए भी खराब होगा, तो सारी चीज़ें जब सरकार को भी नुकसान हुआ और इस देश को भी, समाज को भी नुकसान हुआ, बहन बेटियों का नुकसान हुआ, महिलाओं को नुकसान हुआ, ये सब कुछ नुकसान हुआ है पूरा। तो इस तरह से जो है वो नहीं होना चाहिए, गलत है। तो ये जो इस वक्त अगर आप देखें तो जमानत जरूर मिल गई है, लेकिन संकट बढ़ गया है, चीजें जो है बदल गई है, और ज्यादा पद की गरिमा घट गई है, पद का सम्मान घट गया है, पद की खिलवाड़ी हो रही है। और मैं समझता हूं केजरीवाल जी, जैसा आपने भी कहा, खिलाड़ी तो हैं, अच्छे हैं, लेकिन अन्ना हजारे जी के आंदोलन से बन के उभरे, हम लोग उनके इंडिया अगेंस्ट करप्शन आंदोलन में साथ थे, आप भी थे, सब लोग साथ थे, हाँ, रामलीला बड़े लोग थे उस समय, ये तो बात है, तो सब थे, सबने तो बनाया, वैसे कैसे बन पाते। भारतीय जनता पार्टी सब पूरी साथ थी, उनको सपोर्ट कर रही थी, क्योंकि वो कांग्रेस वर्सेस भारतीय जनता पार्टी और अन्ना हजारे था। तो अब अन्ना जी हट गए, बहुत लोग हट गए, लेकिन हट गए, आप भी हटते से लग रहे हैं मुझे तो, ऐसे लग रहा, हटता नहीं लग रहा, मैं तो दिल्ली का हूँ, तो केजरीवाल जी का, मनीष सिसोदिया जी का, संजय सिंह हमारे अपने हैं, सबका सपोर्ट करता हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन नैतिक सपोर्ट, लेकिन वो ठीक है, मैं सपोर्ट के साथ ये सोचना पड़ेगा, दिल्ली की जनता का भविष्य, दिल्ली के गली गलियारे का भविष्य। आज दिल्ली में सब्बे डूब जाता है, बसें डूब जाती हैं, गाड़ियां डूब जाती हैं, कितना जाम लगा है, सड़कें टूटी पड़ी हैं। आप नागलोई से रोहतक जाएं तो आपकी गाड़ी डैमेज होए होए कोई बचाई नहीं पाए। सोचो ना, कैसी दिल्ली में रह रहे हैं हम, कैसी, इसके लिए कौन जिम्मेदार है? दिल्ली की जनता काम चाहती है, दिल्ली की जनता विकास चाहती है, दिल्ली की जनता अपनी समस्याओं का समाधान चाहती है, और इसीलिए उसने बैलेंस बना के रखा है। केंद्र में तो वो दिल्ली की जनता मोदी जी को पसंद करती है, 7 की 7ों सीटें मोदी जी की झोली में डालती है। राज्य की बात है, और इस बार अगर वो काम नहीं कर पाए तो एक तो आरोप प्रत्यारोप, एक जो निर्भया आंदोलन को लीड किया था उसी से महिला से जुड़ा हुआ मामला जुड़ गया। विभुर अच्छा व्यक्ति है, उनके पिया अच्छे व्यक्ति थे, पुराने व्यक्ति थे, लेकिन आरोप तो लगा, किसी तरह से सब हुआ, सच था, झूठ था, ये केस आएगा बाद में, लेकिन वही चीजें थी, वो सब चीजें हुई हैं, तो इसलिए इस पर गंभीरता। सीबीआई को भी पिंजरे का तोता कोर्ट ने बोला, ये क्यों बोला? ये बहुत सख्त टिप्पणी है किसी संस्था के वर्किंग कल्चर पर, संस्था के चरित्र पर। वो आज की टिप्पणी नहीं है, पहले भी की, लेकिन आज क्योंकि वो अब वो तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने उससे चाबी टाइट की कि आप पिंजरे में बंद तोता मत रहिएगा। मतलब क्या कहा सीबीआई को, क्या कहा कि इससे ऊपर उठ के काम करेंगे आप, इससे हट के काम, पार्टी क्यों से, जो पहले, हाँ, जो पहले आरोप था। अब देखिए, अब आज माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने बेल दी है तो आम आदमी पार्टी और सभी लोग क्या कहेंगे, सत्यमेव जयते, सुप्रीम कोर्ट ने अच्छा काम किया। और जब बेल डिसमिस हो जाती है, रिजेक्ट हो जाती है, डेट पड़ जाती है, तो माननीय सर्वोच्च न्यायालय भाजपा के दबाव में काम कर रहा है, तो माननीय प्रधानमंत्री जी ऑनरेबल चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के यहाँ गणेश चतुर्थी पे क्यों चले गए, गणेश जी की पूजा करने चले, अरे भाई महाराष्ट्र से हैं हमारे ऑनरेबल सीजेआई,
और मोदी जी तो पूरे देश के प्रधानमंत्री हैं, सीजीआई साहब क्या चले गए गणेश चतुर्थी में, तब वो आरोप लगाते हैं। आज सत्यमेव जयते हैं, बिल डिसमिस हो जाए तो सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, सारी कोर्टें भाजपा, सब अपने अपने चश्मे से चीजें देख रही हैं, अपने चश्मे से जैसा मीठा मीठा गप गप, कड़ुआ कड़ुआ थू थू, ऐसा चलता नहीं है। स्वीकार करना पड़ेगा आपको, मीठा भी कड़ुआ भी और सारा कुछ। धन्यवाद वकील साहब। ये थे डॉक्टर ए पी सिंह, जिनका कहना था कि बेल जरूर मिल गई है लेकिन चीज़ें और संकट वो बड़ा है, क्योंकि अगर काम नहीं कर पाएंगे, साइन नहीं कर पाएंगे, मीटिंग नहीं ले पाएंगे, निर्णय नहीं ले पाएंगे, तो फिर किस काम के मुख्यमंत्री? मुख्यमंत्री साहब को सोचना होगा। 5 महीने निकाल दिया जेल में, बाहर आकर अगर दिल्ली की सूरत और सीरत नहीं बदलेंगे, चुनाव भी आ रहे, बात चुनाव की नहीं है, बात दिल्ली के आम लोगों की ज़िंदगी की है, भविष्य की है, वो कैसे सुधरे ये देखना होगा। आप तमाम लोग क्या सोचते हैं ज़रूर बताएँ। नमस्कार।